ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। 2023 में आप शनि के प्रकोपों से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि शनि जो है 17 जनवरी जैसे ही 2023 शुरू होगा तभी 17 जनवरी को अपनी राशि कुंभ में परिवर्तित करने वाला है। तो इसका प्रभाव आपके साथ साल भर होने वाला है, चाहे प्रभाव अच्छा हो बुरा हो। हर एक व्यक्ति की कुंडली पर इसके प्रभाव अलग अलग होते हैं, आपकी राशि पर उसके प्रभाव अलग होंगे और राशि के साथ साथ आपकी कुंडली जो है उस पर इसके प्रभाव और ज़्यादा अट्रैक्टिव, और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होगी जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। इसमें डरने का कोई विषय नहीं है, शनि की स्थिति ही बता पाएगी कि उसका क्या प्रभाव होगा। लेकिन हमें इसके कितने सारे जितने भी नकारात्मक प्रभाव है, जितने भी बुरे प्रभाव है, उन प्रभावों से अगर बचना है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इन्हें बहुत ही शांति के साथ सुनना है, समझना है और कल से ही फॉलो करना है, ताकि 2023 में शनि के प्रभाव से आप बहुत बहुत हद तक बचे रहें। क्योंकि शनि तुरंत चीज़ें प्रदान करता है, अगर एकदम से चीज़ें खराब करेगा आपको संभलने का मौका भी नहीं देगा। तो हमें पहले से अतिरिक्त जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है इन चीज़ों को फॉलो करने की जो मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये बातें आपको कभी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि शनि जैसे ही हमारी लाइफ में आता है बहुत सी चीज़ें स्ट्रगल करना पड़ती है। दूसरा ग्रह राहु, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, व्यक्ति को समझ आता ही नहीं है और वो बस एक जाल में फंसते जाता है। तो ये वक्त है इन चीज़ों से बचने के लिए, ये वक्त है इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने के लिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर फिर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना है कि नियमित कुछ भी हो जाए सूर्य को जल अर्घ दे। सूर्य को अर्घ देने के साथ सूर्य के सामने ही खड़े होकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि सूर्य के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ये नियमित करना है, एक भी दिन इसमें चूकना नहीं है। दोस्तों, दूसरा उपाय ये करना है, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर दूध अर्पित करें, थोड़ा सा दूध और जल मिलाएं और सूर्य उदय होने के बाद आप पीपल के पौधे पर दूध जल मिलाकर अवश्य रूप से चढ़ाना ही है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तीसरी बात है कि जहाँ कहीं भी पीपल का पौधा हो नहीं हो वहाँ पर पीपल का पौधा लगाएं, वृक्षारोपण करें, पीपल का पौधा लगाएं, उसे जल दें, उसका बहुत विशेष ख्याल रखें और उसे धीरे धीरे बड़ा करें। चौथा काम आपको ये करना है कि वस्त्र दान करें। एक महीने में अगर आप किसी को चप्पल दान कर पा रहे चप्पल करें, वस्त्र दे पाए वस्त्र दान करें, अनाज दान कर पाए तो अनाज दान करें, जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो अगर डोनेट कर पाए, वो डोनेट अपनी श्रद्धा और अपनी इच्छा, अपनी जिस तरह की भी आप जो भी अफोर्ड कर पाए, जो आपकी सुविधा अनुसार हो, वो ज़रूर हमें देना है। अगला है कि आपको अपने गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है, और परिस्थितियाँ जैसी अनुकूल हो बिल्कुल घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना है। गहरी और लंबी सांस लेकर अपने